नमस्कार देवी और सजनों, मैं हूं मनीष गौड़। माँ चामुंडा देवी के हम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी मैं माता से प्रार्थना करता हूं। जय माता दी, जय माँ चामुंडा। स्वागत है आप सभी का आज के इस नवरात्रि माँ स्पेशल कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ की सरल विधि बताऊंगा। इसके पश्चात दुर्गा माता को आप किन वस्तुओं का भोग लगाकर अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा नवरात्रि के दिनों में किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। और लास्ट में आपको नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ अचूक टोटकों के बारे में बताऊंगा। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको जल्दी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि की सरल विधि के बारे में, और पूजन के लिए आपको किन वस्तुओं की जरूरत होगी वो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की आवश्यकता रहेगी, और उनके लिए एक लाल चुनरी भी चाहिएगी। कुछ चावल के दाने अपने पास रख लें, और दुर्गा सप्तशती की किताब भी आपकी आवश्यकता रहेगी, साथ में लाल कलावा जिसे हम मौली कहते हैं, और कुछ गंगा जल भी अपने साथ एकत्रित कर लें। माता रानी के लिए चंदन, एक नारियल, कपूर और कुछ जौ के बीज ले लें, और एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर आप ये जौ के बीज डालने वाले हैं। साथ ही पूजा के लिए आप कुछ गुलाल, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग और इलायची, इन सब आवश्यक सामग्री को भी अपने पास एकत्रित कर लें। इसके पश्चात आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको जो मैंने सारी पूजन सामग्री बताई है उसे अपने पास रख लें, और एक पूजा की थाली सजाएं। माँ दुर्गा की तस्वीर को सबसे पहले आप लाल चुनरी ओढ़ाएं, और मिट्टी के जो बर्तन मैंने बताया है उसके अंदर जौ के बीज बो दें, और प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक प्रतिदिन इस जौ के बीज में पानी का छिड़काव करते रहें। इसके पश्चात कलश को स्थापित करें। पहले कलश को गंगा जल से भरें, और कलश के मुख पर आप कुछ आम की पत्तियां भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। कलश को लाल कपड़े से लपेटें, और कलावा जो मौली होती है इसके माध्यम से इस कलश को बांध लें, और अब इसे मिट्टी का जो बर्तन था इसके पास में इस कलश को स्थापित करना है, यानी कि जो कलश होता है पानी का वो मिट्टी का जो बर्तन है इसके पास स्थापित होता है। इसके पश्चात आपको माता की पूजा के लिए फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ इनकी पूजा शुरू कर दें, और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करते रहें। और अष्टमी और नवमी के दिन दुर्गा पूजा के पश्चात आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है, यानी कि 9 वर्ष से जो छोटी कन्याएं होती उन्हें आप अपने घर में बुलाएं, आदर सत्कार साथ उनके साथ उनको बैठाएं, उनके चरण स्पर्श करें, और उन्हें पूरी चना और हलवे का भोग लगाकर कुछ दक्षिणा के साथ वापस इन्हें भेजें। ऐसा आपको नवमी के दिन करना है। और आखिरी दिन दुर्गा पूजा के पश्चात आपको घट विसर्जन भी करना है, यानी कि जो आपने बीज वगैरह और पानी के होते उनको भी आपको विसर्जन करना है। इसमें आपको माता की आरती गानी और उन्हें फूल, चावल इत्यादि चढ़ाने। इस प्रकार मेरे प्रिय दर्शकों, इस सरल विधि से 9 दिनों तक माँ की आप आराधना कर सकते हैं, जो कि ये सरल विधि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस विधि को सुनकर 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर सकता है। एक बात बता दूँ आप लोगों को, नवरात्रि में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो यह है यदि आप व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन जो है वो सात्विक ही होना चाहिए। 9 दिनों तक घर में लहसुन प्याज का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। इन दिनों में आपको दाढ़ी, नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं कटवाने हैं। मांस मदिरा का तो भूल से भी प्रयोग नहीं करना है। यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो माँ दुर्गा अवश्य आप पर प्रसन्न होगी। घर में स्थायी लक्ष्मी की निवास के लिए आप नवरात्रि में शिव सूक्तम का पाठ भी तुरंत असरदायी माना गया, अतः आप सभी को 9 दिनों तक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शिव सूक्तम का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा जो जातक की कुंडली में राहु, केतु, शनि ग्रह से पीड़ित है उन्हें भी इन 9 दिनों में नवदुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से नवदुर्गा की पूजा करने से कुंडली के अंदर जो राहु ग्रह का दोष होता है वो शांत हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस मंत्र का जाप तो अवश्य करें, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
इस मंत्र का जाप भी आप सभी को इन नवरात्रि के दिन करना है, जिससे आपके सभी कष्टों की मुक्ति मिल सकती है। धन लाभ की प्राप्ति के लिए आप नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपने सामने लाल चावल यानी कि चावल के अंदर कुमकुम मिला के उनको लाल कलर बना दें और उसकी एक ढेरी बनाएं। उसके ऊपर सिद्ध अभिमंत्रित श्री यंत्र को स्थापित करें और श्री यंत्र के सामने 9 घी के दीपक जलाएं और जो मैंने आपको श्री सूक्तम का पाठ बताया इसका पाठ इस श्री यंत्र के सामने करें। इससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का चिरकाल तक निवास होगा। यदि आप किसी रोग से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने ऊपर से जटा वाला नारियल को 21 बार घुमाकर देवी माँ के चरणों में रखकर पानी में विसर्जित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को उनकी प्रिय चीज़ें छड़ाई जाए तो वह जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूरी कर देती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा को किस चढ़ावे से प्रसन्न करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। माँ दुर्गा के मंदिर में यदि आप अखरोट का भोग लगाते हैं तो आपको यश और कीर्ति प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं वे नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के मंदिर में जाके अखरोट का प्रसाद तो अवश्य चढ़ा कर आए। माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा और पान चढ़ाने से भी मान सम्मान में वृद्धि होती है। ये उपाय समाज में आपको यश और ऐश्वर्य प्रदान कर देगा। इसके अलावा मनोकामना की पूर्ति के लिए माता के मंदिर में अनार का भोग लगाना भी शुभ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में यानी कि माँ दुर्गा के सामने 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। 9 स्वरूप यानी कि माता के 9 स्वरूप माने गए। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन आप अपनी कुंडली के प्रत्येक ग्रह को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए जानते हो कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था आपकी कुंडली के 9 ग्रहों को आप देवी की 9 देवियों की पूजा करके शांत कर सकते हैं। यानी कि नवरात्रि के पहले दिन आपको प्रतिपदा यानी जिसे एकम तिथि भी कहते हैं उस दिन दुर्गा माँ की पूजा करके आप मंगल ग्रह की शांति की कर सकते हैं। मंगल की शांति के लिए प्रतिपदा के दिन माता रानी का सबसे पहला स्वरूप है स्कंद माता यानी कि स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करके आप अपनी कुंडली के अंदर यदि मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से आपकी कुंडली का मंगल ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। द्वितीय तिथि के दिन यानी कि जो दूसरा नवरात्र होता है इस दिन राहु की शांति के लिए पूजा की जाती है और माँ का जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी इसकी पूजा करके आप राहु ग्रह को शांत कर सकते हैं। तृतीय तिथि को तीसरे नवरात्र में महागौरी के स्वरूप की पूजा करके आप बृहस्पति की शांति कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। चतुर्थी तिथि को शनि की शांति के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि के पूजन से आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। और पांचवे नवरात्र में पंचमी तिथि को बुध की शांति के लिए पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से आपके बिजनेस में भी फायदा होगा और जिन लड़कियों की विशेष रूप से शादी नहीं हो रही है उनका भी विवाह कात्यायनी देवी की पूजा करने से इस दिन हो जाता है। षष्ठी तिथि को यानी कि छठा नवरात्र जो होता है इसमें केतु की शांति के लिए पूजा की जाती है और इसमें माता का माँ कुष्मंडा की पूजा की जाती है और इससे केतु शांत हो जाता है। सप्तमी तिथि को सातवां नवरात्र होता है जिसमें शुक्र की शांति के लिए माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और अष्टमी तिथि को आठवें नवरात्र में माता शैलपुत्री की पूजा का स्वरूप करने से सूर्य ग्रह शांत होता है और नवमी के दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करने से चंद्रमा की शांति होती है। इस प्रकार 9 दिनों तक 9 देवियों का पूजन करके आप 9 ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों अब मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी देना चाहता हूँ। इस नवरात्रि के 9 दिनों में माँ चामुंडा देवी का अनुष्ठान माँ के चरणों में 501 नवदुर्गा यंत्र रखकर उन्हें अभिमंत्रित करके लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया है। यदि आप भी इस अनुष्ठान में विभिन्न फलों की प्राप्ति का संकल्प लेके पूजा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 2100 रुपये की सहयोग राशि देकर अपना स्थान बुक करवा सकते हैं। 9 दिनों की पूजा के पश्चात आपको सिद्ध अभिमंत्रित यंत्र आपके पास आपके निवास स्थान पर कोरियर और पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। माँ के चरणों में आपके नाम से जो अर्जी लगाई जाएगी वह संपूर्ण वैदिक नियमों के अनुसार होगी। इस पूजा अर्चना में मेरे साथ साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य भी इसकी पूजा के अंतर्गत इंक्लूड होंगे 9 दिनों तक। और मेरे प्रिय दर्शकों अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए और अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इससे बेहतर समय तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए
इस नवरात्रि की इस पूजा में आपका नाम और आपका साथ शामिल हो और माता के चरणों में स्थापित नव दुर्गा यंत्र अपने घर में स्थापना अवश्य करें और अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। अभिमत यंत्र की बुकिंग और पूजा अनुष्ठान में शामिल होने की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।